राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार अपनी स्पीड पकड़ता जा रहा है, जहां पर 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। बात जब चुनावी समीकरण की हो रही है तो हर सीट पर जातिगत समीकरण के साथ ही स्थानीय नेता का समीकरण भी काफी मायने रखता है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी मकराना विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे अनूपगढ़ विधानसभा सीट की। राजस्थान की खाग टोकरी कहे जाने वाले श्रीगंगानगर जिले में भी 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर राजनीतिक हलचल बनी हुई है। इस जिले के तहत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें अनूपगढ़ समेत 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। जिले में रायसिंह नगर के अलावा अनूपगढ़ सीट भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में अनूपगढ़ सीट के चुनावी परिणाम की बात करें तो यहां पर 7 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ था। बीजेपी उम्मीदवार संतोष बावरी को चुनाव में 79,383 वोट मिले थे, तो वही कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के खाते में 58,259 वोट आए थे। बीजेपी कांग्रेस के अलावा 2018 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शिमला देवी नायक को 21,667 वोट मिले और इस दौरान वो तीसरे नंबर पर रह गई थी। बता दें, चुनाव में संतोष बावरी ने 21,124 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। वही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से संतोष बावरी मैदान में उतरी है, तो कांग्रेस ने शिमला देवी नायक को मैदान में उतारा है। अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में लगभग 2,45,109 मतदाता है, जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जो प्रत्याशी की हार जीत तय करते हैं। अनूपगढ़ विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। ये सीट 2008 में अस्तित्व में आई, लेकिन तब से लेकर अब तक हुए यहाँ 3 चुनाव में कांग्रेस को एक बार भी जीत नहीं मिली है। ऐसे में कांग्रेस यहाँ इस बार अपना खाता खोल पाएगी या नहीं, ये देखने लायक होगा। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।